अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके जहन में यही सवाल होता है कि पैसा लगाएं तो किन स्टॉक में लगाएं और कौन से ऐसे बेहतरीन स्टॉक हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकें और डिविडेंड भी देते रहें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं 5 ऐसे स्टॉक के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जिन्होंने अपने शेयर होल्डर को करोड़ों रुपए कमा के ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये ऐसे एवरग्रीन स्टॉक हैं कि आप कई सालों बाद भी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो ये स्टॉक ग्रो कर रहे होंगे। तो आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक्चुअल में बहुत अमीर बन सकते हैं। ये ऐसे स्टॉक हैं जो लगातार आपको पैसे कमा कर देंगे। आपको किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना, बल्कि आपको उस स्टॉक के बिज़नेस को समझना है और बिज़नेस को समझकर फिर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जब बिज़नेस बढ़ता है, ग्रो करता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो शेयर प्राइस है वो भी ग्रो करता है। तो व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 स्टॉक है हमारा एवेंशन लिमिटेड। टेक्नोलॉजी सेक्टर का ये स्टॉक है और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो कि सबसे ग्रोइंग सेक्टर माना जाता है स्टॉक मार्केट में, और मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर है, जहाँ पे अगर ये ग्रो करता है तो आपके जो मुल्क है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एक एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट इनको हर तरह से फैसिलिटेट करती है, और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आने वाला है और हम ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो अब डिजिटल होने जा रही हैं। तो आईटी एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में और इसका एक बहुत अहम रोल है। तो ऐसी इंडस्ट्री मैं समझता हूँ कि फ्यूचर जो है वो आईटी का बहुत ब्राइट है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और एवेंशन जो है वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, अच्छे लेवल पर इस वक्त मिल रहा है, तो अपने पोर्टफोलियो में एवेंशन को ज़रूर रखें। एवेंशन बहुत तेज़ी से अपना बिज़नेस जो है वो ग्रो कर रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। गल्फ रीजन में हाल ही में इनको $10 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला है। तो एवेंशन को अपने पोर्टफोलियो का लाजमी हिस्सा बनाए। दूसरे नंबर पे हमारा स्टॉक है जी कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, ग्रोइंग ओरिएंटेड कंपनी है, यूएसए बेस्ड मल्टीनेशनल, पूरी दुनिया में जो इनका बिजनेस है वो फैला हुआ है, पाकिस्तान समेत हर घर में और पूरी दुनिया में इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। इनका प्रोडक्ट कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू और पर्सनल केयर की चीज़ें आती हैं। व्यूअर्स, कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान में जो है वो एक मैं समझता हूँ ग्रोथ ओरिएंटेड और एक ब्लू चिप स्टॉक है, जो कि हर साल बहुत बड़ा डिविडेंड और बोनस देता है। इस साल इसने बहुत बड़ा बोनस शेयर अनाउंस किया है और साथ साथ डिविडेंड भी दिया, तो जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो स्प्लिट हुई हुई है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोलगेट पामोलिव एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको फ्यूचर में बहुत अमीर बना सकता है। अगर आप एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से वेल्दी होना चाहते हैं तो कोलगेट पामोलिव को अपने पोर्टफोलियो का लाजमी हिस्सा बनाएं। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है कोलगेट पामोलिव, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। नंबर 3 है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, PSO।
ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी है और पाकिस्तान की वाइट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है ये, जो पूरे मुल्क में कंज्यूमर को ऑयल एंड गैस सप्लाई करती है। सो पाकिस्तान स्टेट ऑयल एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है, अर्निंग हर साल अपनी इम्प्रूव कर रहा है, बहुत अच्छी अर्निंग वाला शेयर है ये, एक ब्लू चिप स्टॉक है, डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है आपके लिए। और PSO ऐसी कंपनी है जिसने अपने शेयर होल्डर को ऑलरेडी करोड़ों रुपये कमा के ये दे चुका है, तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ पाकिस्तान स्टेट ऑयल में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, सेव एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। PSO पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो PSO की ही सब्सिडरी है, जिसमें मेजर शेयर जो है वो PSO के हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है ये, तो PSO एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। चौथे नंबर पे हब पावर कंपनी हबको। हबको पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है और ये वाइट ब्लू चिप कंपनी है पावर सेक्टर की। हबको इस वक्त पूरे मुल्क में कई मंसूबों पर काम कर रहा है, जिनमें नंबर वन पे CPAC है, दूसरे नंबर पे थल नोवा पावर लिमिटेड हबको, तीसरा सिंध एंग्रो फोन माइनिंग कंपनी है, चौथा थर एनर्जी लिमिटेड हबको। हबको इतनी तेज़ी से अपने प्लांट को एक्सपेंड कर रहा है और सिंध गवर्नमेंट के साथ भी कई मंसूबों पर ये काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि हबको एक ग्रोइंग कंपनी है और बहुत तेज़ी से ये पूरे मुल्क में एक्सपेंड कर रहा है अपने बिजनेस को, और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से जो IPPs को पेमेंट की गई है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो हबको को दिया गया है, तो आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं आपको, मैं तो उनको आगे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, बेहतरीन कंपनी है आपको और इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। मिल्लट ट्रैक्टर लिमिटेड MTL ऑटोमोबाइल असम्बलर स्टॉक है और ज़रई शेबे से ताल्लुक है इस स्टॉक का। बेसिकली हमारा जो कंट्री है वो पाकिस्तान, उसकी इकनॉमी का जो दारोमदार है वो 70% एग्रीकल्चर पर है, तो इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट हर तरह से इनको सपोर्ट करती है, फैसिलिटेट करती है, टैक्स रिलीफ देती है, और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला स्टॉक है ये। बहुत अच्छी बात है कि ये हर साल डिविडेंड देता है और बोनस भी बाकायदगी से देता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मिल्लट ट्रैक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप मिल्लट ट्रैक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में 5 ऐसे एवरग्रीन स्टॉक्स को डिटेल में हमने डिस्कस किया है, जिनमें आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको ये बहुत ज़्यादा अमीर बना सकते हैं और आप एक्चुअल में बहुत वेल्दी बन सकते हैं इन स्टॉक में इन्वेस्ट करके। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।